नमस्कार टू ऑल कनाडिगाज। और यहाँ पर आज एक बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज 16 फरवरी है, यानी कि दर्शन थोकदीपा यानी कि डी बॉस आज इनका बर्थडे है। इस मौके पर रिलीज हुआ है क्रांति फिल्म का फर्स्ट लुक। ये करीबन 1 मिनट तक का मोशन पोस्टर आप इसे कह सकते हो या आप इसे जो भी कह सकते हो, लेकिन हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग है। और इसका इंग्लिश सबटाइटल नहीं अवेलेबल था, मेरे दोस्त मेघा अमृतराज ने आखिरकार उसका ट्रांसलेशन करके मुझे समझाया, तो मुझे समझा है। तो यहाँ पे ये सीन है कि एक स्कूल के पिक्चर दिखाई दे रहे, स्कूल दिखाई दे रहा है और डायलॉग पीछे चल रहा है कि ये वो स्कूल है जिसने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया, चीजें समझना सिखाया, लाइफ कैसे जीते है ये सिखाया, और इसके अलावा ये सिखाया कि मतलब हर कोई सिमिलर तौर पे आप सभी को देखो, चाहे वो कोई भी कास्ट क्रीड कहीं से भी जुड़ा, कोई भी रिलीजन से, वो सब एक ही समान है। ये सब चीजें सिखाया और स्कूल को लेकर आई थिंक कुछ प्रॉब्लम शायद है, और इसलिए एक सीन में आप देखोगे जब जैसे इंट्रोडक्टरी सीन आता है यहाँ पे डी बॉस का, वो आइसक्रीम खा रहे और एक बाइक है उसको ऐसा पकड़े खींच रहे पीछे साइड, उसके बाद ऐसा उड़ा देते हैं बाइक को, यानी कि पूरा एकदम 360 डिग्री होकर वो राउंड मारते गिरती है। कुछ इस तरह से सीन है, एक ही सीन है। उसके अलावा आपको ये समझ में आता है कि हाँ क्रांति फिल्म की शूटिंग फिलहाल चालू है और यहाँ पे रॉबर्ट फिल्म जो मैंने खुद देखी थी हिंदी डब वर्जन में, मुझे रॉबर्ट फिल्म मास मसाला फिल्म लगी थी और एंटरटेनमेंट के हिसाब से काफी ठीक फिल्म थी, और अब उनकी एक और फिल्म आ रही क्रांति। इसका सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है वो तो मैं समझ नहीं सकता, लेकिन स्कूल से इर्द गिर्द है, थोड़ा सा युवा रत्ना जो फिल्म थी पुनीत राजकुमार गारू की, वो उसका थोड़ा सा एक फील मुझे यहाँ पे भी हल्का फुल्का नजर आया। लुक वाइज तो दर्शन की जो लुक है वो वैसे ही हमेशा नजर आते हैं, अच्छे खासे नजर आते हैं, अच्छी खासी बॉडी है, और बस यही उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भी काफी हद तक कमाल की रहे। और जो एक्शन सीन्स है, मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो एक्शन सीन्स है वो थोड़े से कम करे एक्टर्स, वो थोड़े और डिफरेंट तरह के एक्शन के सीन्स करे, क्योंकि ये सब चीजें आई थिंक हम लोग देख देख के काफी हद तक थक चुके हैं, क्योंकि अभी बाइक उठाते हुए हमने RRR में देखा, इसके अलावा बाइक को फेंकते हुए RRR में देखा, इसके अलावा हमने सत्यमेव जयते 2 में भी बाइक को ऐसा उठा के खड़े कर देखा और इसमें बाइक को उल्टा घुमाया। तो मुझे लगता है बाइक पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है डायरेक्टर प्रोड्यूसर। स्टिल आई थिंक मेनी थिंग कुड हैव बीन डन। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज अपने बर्थडे पर भी दर्शन जो हमारे डी बॉस है वो आइसक्रीम जरूर खाते होंगे। एनीवेज उम्मीद करते हैं वो पूरे अपने हेटर्स के और अपने फिल्म में गुंडों के छक्के छुड़ाए, यही मैं चाहूंगा, और उम्मीद करता हूँ क्रांति फिल्म जल्द से जल्द आए। आपकी क्या राय है जरूर बताएगा, और किसी को क्या पता है क्रांति फिल्म कब रिलीज होने वाली है, और हमारी तरफ से भी बॉलीवुड की टीम की तरफ से भी ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू नन अदर देन डी बॉस।